ओम नमः शिवाय स्टूडेंट्स, आशा करी तुम्हारा प्रत्येके सुस्थ आछो। आज आमरा विशेषण पद बा एडजेक्टिव पढ़ब। बांगला लैंग्वेज खाताय नोट्स कपि करबे एबं सेखानेई एक्सरसाइजेर काज करबे। फ्रेश पेजे हेडिंग देबे विशेषण पद। विशेषण पद काके बोले प्रथम प्रश्ने उत्तर लिखबे जे पदेर द्वारा अन्य कोनो पदेर दोष गुण संख्या अवस्था परिमाण धर्म प्रभृति बोझाय ताके विशेषण पद बोले। अर्थात अन्य पदेर से पदटा केमन कटा कतटा इत्यादि जिनिस बुझिए दिच्छे सेटाई होच्छे विशेषण पद। विशेषण पद साधारणत सर्वनाम एवं विशेष पदेर एवं कोनो कोनो क्षेत्रे विशेषण और क्रियापदेर दोषगुण बुझिए थाके। जेमन देखो एक नम्बर वाक्य गरम दूध पान करा उचित। एखाने देखो दूध होच्छे विशेष पद ताई किरकम दूध खाबे ना सेटा गरम। एक्षेत्रे विशेषण पद विशेष पदेर किरकम अवस्था सेटा बोझालो। आबार दु नम्बर वाक्य देखो शीतकाले अल्प गरम जले चान करा उचित। अल्प गरम अर्थात गरम होच्छे विशेषण पद सेटा आबार किरकम गरम हबे ना अल्प ताई एक्षेत्रे विशेषण पद किन्तु विशेषणके विशेषित करलो। अर्थात एखाने से हलो विशेषणेर विशेषण। आबार देखो तीन नम्बर वाक्ये जोरे हाँटो नयतो पौंछाते पारबे ना। अर्थात हाँटा एटा कि क्रियापद। एखाने क्रियापदटा केमन हबे किरम भावे हाँटते हबे सेटा बुझिए दिल विशेषण पद। ताई जोरेटा हलो विशेषण पदेर उदाहरण। ताहले बोझा गेल विशेषण पद काके बोले। तीनटे उदाहरणेर माध्यमे आमि तोमादेर एटा बोझालाम। आशा करी प्रत्येके बुझते पेरेछो। एबार देखो विशेषण पद तीन प्रकार यथा क विशेषेर विशेषण, ख विशेषणेर विशेषण, ग क्रिया विशेषण। तृतीय श्रेणीते आमादेर पाठ्य हलो विशेषणेर विशेषण। प्रश्न लिखबे विशेषणेर विशेषण काके बोले क्वेश्चन मार्क उदाहरण दाओ दाड़ी। उत्तर हबे जे पदेर द्वारा कोनो विशेषणेर दोष गुण अवस्था संख्या परिमाण धर्म प्रभृति बोझाय ताके विशेषणेर विशेषण बोले। जेमन ড্যাশ एक नम्बर वाक्य ছেলেটা অনেক মোটা। এই অনেক মোটা শব্দটা বিশেষণ ছেলেটা মোটা আমি যদি বলি কিন্তু ছেলেটা অনেক মোটা অর্থাৎ মোটাটাকে আরো বিশেষিত করছে তাই এটা হচ্ছে বিশেষণের বিশেষণ। পরের বাক্যে দেখো রূপসীর গানের গলা খুব মধুর। এখানে সুন্দর গানের গলাকে বোঝাচ্ছে। এবার মধুর বললে এটা বোঝা যাচ্ছে যে গানের গলাটি সুন্দর কিন্তু খুব মধুর বলতে বোঝাচ্ছে যে অনেক বেশি সুন্দর। অর্থাৎ খুব শব্দটা হচ্ছে বিশেষণের বিশেষণ। তিন নম্বর বাক্যে দেখো টুকটুকে লাল জবা মা কালীর পায়ে দিলাম। এখানে লাল জবা বললে লাল শব্দটা কি জবার কালারটাকে বোঝাচ্ছে তাই তো, তাহলে এটা বিশেষণ পদ। কিন্তু টুকটুকে শব্দটা দিয়ে এই লালটা কিরকম লাল সেইটাকে আরো ক্লিয়ার করে বোঝাচ্ছে তাই টুকটুকে শব্দটাও হলো বিশেষণের বিশেষণ। তাহলে আশা করি বিশেষণের বিশেষণ প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো। আজ এই পর্যন্ত রইল। নমঃ শিবায়।